सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच, आई एम बैक इन पाकिस्तान। अच्छा मेजर गौरव आर्या, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कश्मीर इतना अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि आज के प्रोग्राम में भी आज आपके ही मुंह से दो बार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान निकला है, एक बार कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह आपको हमने कहने पर मजबूर कर दिया है। आप ये भूल जाएं कि हम कश्मीर या कश्मीरियों को भूलेंगे। हमने जिस तरह 15 अगस्त को काबुल में आपको सरप्राइज दिया है, फिर उसके बाद 6 सितंबर को पंजशेर फतह होकर आपको सरप्राइज दिया है, 11 सितंबर को अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में बनकर अमेरिका को सरप्राइज मिला है, नहीं करना है। इसी तरह एक दिन श्रीनगर में आपको सरप्राइज मिलने वाला है। मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं कर रहा। यहां मुझे अफसोस ये होता है कि आप ये बात, मतलब मैं समझता हूं कि सारों के जो कंसर्न अफगानिस्तान के लिए है ना, वो इसलिए नहीं है कि वो उनको लग रहा है कि अफगानिस्तान की पब्लिक सफर करने लगी है, सिर्फ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान ने वहां पर सारी दुनिया की जो दूसरी प्रॉक्सीज है उनको क्यों किक आउट कर दिया, खसूसन इंडिया की सारी प्रॉक्सीज क्यों किक आउट हुई। दूसरी चीज ये कि जो कल बैठक हुई है दुनिया के इंटेलिजेंस चीफ्स की, उसने वाकई इंडिया को परेशान तो कर दिया है। मैं जानता हूं इंडिया की परेशानी को, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें कि नाउ द पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज चेंज, सिनेरियो इज चेंज। इंडिया जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेगा इंडिया के लिए बेहतरी है। जी। इंडिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जी। कि अब पाकिस्तान की मर्जी चलेगी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया कश्मीर में भी और इंशाल्लाह अफगानिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने मजबूर कर दिया, मैंने तो ऑन एयर बोल दिया, करोड़ों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं आप कश्मीर ले लें। सर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।